राधनपुर तहसील के किसान भाई भी अन्य किसानों की तरह परंपरागत खेती से अपना जीवन निर्वाह करते थे। पर जब किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के इस नए विचार से वो जुड़े और इस संकल्पना को धारण किया तो आज स्थिति कुछ और है। इफको किसान संचार लिमिटेड ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व यानी कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को अपनी विभिन्न सूचना संचार एवं प्रौद्योगिक उपकरणों से सहायता एवं सशक्त किया, जिसका लाभ आज इस एफबीओ से जुड़े किसान भी उठा रहे हैं। किसानों के हित में उच्च स्तरीय नई खेती की तकनीकियों से उन्हें अवगत कराना एवं फसल उत्पादन में भरपूर लाभ उठवाना इफको किसान का एक मुख्य एवं परम दायित्व रहा है। तो आइए जानते हैं बनास प्रोड्यूसर कंपनी के एक प्रगतिशील किसान के उनके विचार। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार, मारू नाम माहिर गोविंद भाई से। गोविंद भाई जी, ये बताइए आप इस बनास प्रोड्यूसर कंपनी में क्या है? बनास प्रोड्यूसर कंपनी में हूँ, सभासद छू। क्या बात है, आप सभासद हैं, तो आप कितने साल से जुड़े हैं इस बनास प्रोड्यूसर कंपनी से? बनास प्रोड्यूसर कंपनी में लगभग हूँ 3 वर्ष थी, तेनी साथे संकड़ायेलो छू। 3 साल से आप जुड़े हो। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो इस साल आपकी कंपनी में क्या नया हुआ है? आज साल हमारी कंपनी में बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जीरा पाक माटे इफको किसान द्वारा आईपीएम प्रोग्राम नवो लीधेलो छे। अच्छा, तो आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इस साल? हाँ, आ वर्षे आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करे। आपको जीरे में आईपीएम के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमने जीरा में आईपीएम ना बारे में जानकारी इफको किसान बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा ट्रेनिंग आपवामां आवे छे अने अमारा मोबाइल उपर रोज एक वाणी संदेश आपवामां आवे छे। अच्छा, तो एक वाणी संदेश भी आता है, कैसा आता है ये वाणी संदेश? वाणी संदेश आ रही थी आवे छे। नमस्कार मित्रों, इफको किसान अने बनास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ना लीधेला प्रोजेक्ट मां आपणे वात करवी छे। नमस्कार मित्रों, जीरुना पाकमां आवतो सुकारा रोग ने केवी रीते ओळखशो? मित्रों, जीरुना पाकमां आवतो सुकारानो रोग जमीनजन्य फूगथी थाय छे। आ रोगनी शरूआत पाक वाव्યા બાદ લગભગ 1-2 માસ બાદ જોવા મળે છે। શરૂઆતમાં છોડની ટોચ ચીમળાઈ જાય છે અને પાછળથી છોડ ધીમે ધીમે આખો ચીમળાઈને પીળો પડી જાય છે। આ પીળા પડી ગયેલા છોડ સુકાઈ જાય છે, જેથી સુકારાનો રોગ કહે છે। સુકારાના રોગમાં નાની મોટી ગોળાકાર કુંડી પડે છે અને ધીમે ધીમે મોટી થતી જાય છે। છોડમાં દાણા બેસતા નથી અને બેસે તો નાના અને ચીમળાયેલા હોય છે। સતત એક ને એક જમીનમાં જીરાનું વાવેતર કરવાથી રોગનું પ્રમાણ વધે છે અને ઉત્પાદન પણ ઘટતું જાય છે। આ રોગથી 50-60% ઉત્પાદનમાં નુકસાન થાય છે। ધન્યવાદ। अच्छा, तो इस तरह से आपको जानकारी मिलती है? हाँ, जानकारी मिलती है। सफलता की इस कहानी को हम और विस्तार से आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जुड़े रहें हमसे। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।